नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में, जहां आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं एक आपकी मातृभाषा में, मदर टंग में और बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई भी समझने में परेशानी ना हो, बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं भाई, आज के क्वेश्चंस आपने पोस्टर में भी देख लिए होंगे, थंबनेल में, ये वो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई कि आपने सुने होंगे ना कि यार एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में सपोज करो 50 क्वेश्चन थे, सही अंक के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 1 काट लिया जाता है, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है इन प्रकार के क्वेश्चनों में। क्या हुआ तो कोई दिक्कत? तो भाई करना क्या है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूँ पहले आपको समझाने की, एक बार पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन को, फिर 2-3 कराऊंगा, फिर वही स्क्रीन पर क्वेश्चन आते रहेंगे और आप करते रहोगे। तो भाई सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना है जरा। देखो, मैं आपसे बोल दूँ कि भाई मैं तुम्हारा ले रहा हूँ पेपर, मैंने तुम्हारा पेपर लिया हो और मैं कह रहा हूँ जी 50 क्वेश्चन का पेपर है, कितने का? 50 क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें यदि आप सही करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, और यदि एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। तो आप कहोगे जी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई, यानी 3 पे 1, भाई गलत कह रहा हूँ, यानी 3 गलत तो 1 गई, ठीक है जी। अब आप क्या काम करते हो, आप 30 क्वेश्चन तो करते हो सही और 20 क्वेश्चन करते हो गलत, 20 क्वेश्चन आप करते हो गलत। अब मैं एक बात मुझे छोटी सी बताइए, ठीक है, आप ये बताओ आपके नंबर कितने हैं। आप कहोगे भाई देखो भाई 30 या 90 का मतलब है जी कि भैया 90 मेरे नंबर आए जो मेरे सही करे, लेकिन भैया 20 मैंने गलत करे, तो एक नंबर पे भाई आपको बताओ एक क्वेश्चन एक है, तो आप कहोगे जी 20 नंबर मेरे ख़त्म हो गए, 20 नंबर मेरे ख़त्म हो गए, तो भैया 90 में से 20 गए, तुम्हारे नंबर बचे 70, तुम्हारे नंबर बचे 70, सही है जी। 50 क्वेश्चन में से 30 आपने सही करे, 20 आपने गलत करे, तो 30 या 90 नंबर आपको मिलने चाहिए, लेकिन आपने गलत भी तो कर दिए 20 क्वेश्चन, तो 20 नंबर उनके कट गए। अब क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट करने जा रहा हूँ, देखते रहिए कि एक व्यक्ति एक परीक्षा में 50 प्रश्न थे और 50 प्रश्न में देखते रहिए, और आपको पता हो कि 30 सही करें 20 गलत करें, 50 प्रश्न में सही के लिए 3 अंक दिया जाता है और जी गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक व्यक्ति ने वो सारे प्रश्न, एक व्यक्ति का मैं तुमने सारे प्रश्न सॉल्व करे, वो अब जब तुमने सारे प्रश्न सॉल्व करे तो हमारे नंबर 70 आए, तो तुमने कितने तो सही करे और कितने गलत करे, अब ध्यान से देखिए आप। आप कहोगे देखो भैया यदि तुम पेपर देने जा रहे हो, मेरे भाई एक बात तो बताओ, तुम तो यार सबके सब सही करके आओगे ना, सही करके आओगे ना तुम तो। आप कहोगे जी मैं तो अपने हिसाब से सब सही करके आए हैं। आप कहोगे जी मैं तो सभी सही करके आया हूँ। तो भैया एक बात मुझे छोटी सी बताइए, आपके नंबर 150 बनने हैं, ठीक है जी, 150 आपके बनते, बिल्कुल बनने चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, यदि एक क्वेश्चन भी गलत होगा ना, तो कहने का मतलब ये है आपको 1 अंक नहीं गया, आप नुकसान कितने को भरना पड़ेगा बताऊं, 4 नंबर का। कैसे? ऐसे देखो, कैसे सपोज करो ये वाला प्रश्न है, यू प्रश्न एक तो खुद 3 नंबर का है, और यदि गलत हो तो है तो एक तो जाए, 3 नंबर तो आपके गए जेब सू, प्लस एक और गया जो सही है इनमें सू, तो आप कहोगे एक प्रश्न यदि मैंने गलत कर दिया तो मैं 4 नंबर के लॉस में आ जाऊंगा, मैं 4 नंबर के लॉस में आ जाऊंगा। ना समझे मेरी बात है? अब भी फिर क्या समझा दूँ एक बार, मैं कह रहा हूँ कि भैया एक प्रश्न 3 अंक का है, एक प्रश्न 3 अंक का है, गलत के लिए 1 काट लिया जावे है, जब तुम एक सही नहीं करके आ रहे तो तुम्हें जो वहाँ में से 3 नंबर मिलने हैं वे तो गए गए, एक उगया जो तुम्हारे सही है, 4 न गए। आप कहोगे भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, यदि एक क्वेश्चन गलत है तो मेरे कितने जाएंगे भाई? 4। अब देखते रहिए जी आप ध्यान से, एक क्वेश्चन गलत पे मेरे जाते हैं 4 नंबर। अब आप कहोगे भैया देखो मैं तो 50 के 50 सही करके आया, मेरे तो 150 आने चाहिए, लेकिन मेरे नंबर कितने आए? 70। जब मेरे नंबर 70 आए तो मुझे एक बात बताओ भैया, मुझे कितने को नुकसान होगा? आप कहोगे 80 नंबर का नुकसान होगा मुझे,
80 नंबर को नुकसान होगा। एक बात बताओ, जब तुम्हें 4 नंबर का नुकसान हो रहा है ना, तो तुम एक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, और जब तुम 80 का नुकसान होता तो तुम कितने गलत करके आते। आप कहोगे भैया स्केल लगा दीजिए 4 से 20 बार और 20 एकम 20। ओहो, इसका मतलब तुमने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, और हम पहले बता रहे कि 20 क्वेश्चन गलत करे और 30 क्वेश्चन सही हुए। यार उम्मीद कर रहा हूँ भाई आगे होगी बात समझ में, भाई या बहन या जो भी आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है। फिर बता दूँ एक बार आपको करना क्या है। अब मैं समय काटे दूँ एक बार फिर से। देखो जी, आप कहोगे भैया 3 और एक क्वेश्चन गलत था, 4 नंबर ख़त्म। आपने क्वेश्चन करे 50, आप तो सही करके आओगे सारे के सारे ने, तो आप नंबर कितने मिलते? आप कहते नंबर 150 मिलते, लेकिन मिले कितने? आप कहोगे 70 मिले। यार नुकसान कितने को उठा लिया? आप कहोगे 80 का नुकसान उठा लिया। एक बात बताइए, जब 4 का नुकसान एक क्वेश्चन गलत हो तो 4 का नुकसान उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं। यदि 80 का नुकसान उठाया तो भैया आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, और जब 20 क्वेश्चन गलत है 50 में से 30 ऑलरेडी सही आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो भाई एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप यहीं से लगाइए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। और हाँ, पसंद आ रही है ना वीडियो तो यहीं के यहीं से लाइक कर दो, यहीं के यहीं। चलो जी भैया आगे क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है भाई। छोटा भाई भी हमारा यहीं बैठा रहे, ठीक है, यही हमारा टीम लीडर है, ललित भाटी इसका नाम है, ठीक है। सारे वर्क हमारे यही देखे हैं। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक 70 अंकों की परीक्षा है जिसमें प्रत्येक अंक के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है जी, और गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। इस प्रकार रोहित ने सभी प्रश्न हल किए और उसे 50 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया? जरा ध्यान से देखना भी। अब देखो जी, आप पता है 3 अंक कट रहा है, तो यदि एक क्वेश्चन जाता है तो 4 का नुकसान होएगा ना होएगा। तो देखो जी, 70 क्वेश्चन है और भाई मैं तो सबके सब सही करके आता तो मुझे तो 210 अंक मिलते, लेकिन मुझे अंक कितने मिले? मुझे अंक तो कुल 50 ही मिले भैया, मुझे अंक तो कुल 50 ही मिले। तो एक बात तो बताओ, मेरे कट कितने गए? आप कहोगे भैया आपके तो 160 नंबर कट गए, 160 नंबर कट गए आपके। इसका मतलब है कि जरा ध्यान से देखना यार, 4 नंबर कटते तो एक क्वेश्चन गलत, और मेरे तो 160 कटे हैं, तो आप कितने की गुणा करोगे? आप करोगे जी 40 की, अरे इधर भी 40 की। तो जाओ जी, मैंने कह दी आपने 40 क्वेश्चन करें गलत और बाकी 70 में से 30 करें सही। क्या पूछ रहा है? कितने प्रश्न का जवाब सही दिया? ऑप्शन नंबर बी 30 आगा आंसर, ठीक है। आगे बात समझे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, आप किसी पे इसे लगाओ फटाफट जल्दी से, नहीं तो मैं समझाऊंगा फिर। भाई इसे कॉपी कर लिया करो, ठीक है, वीडियो रोक के, समझदार हो आप, ठीक है। इस नेट का सही फायदा उठा लो, सही जी गया इस नेट का। आ जाओ जी, एक स्कूल में 100 प्रश्नों की एक परीक्षा होती है जिसमें सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, और भैया कह रहा कि गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है जी, 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक छात्र सभी प्रश्नों को हल करे 360 अंक मिले, तो कितने प्रश्न गलत करे? कितने प्रश्न गलत करे? एक मिनट रुक जाओ जी, एक बात बताओ, सही उत्तर के लिए 5 मिलने हैं, गलत के लिए 2 कट रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पे आप 7 का नुकसान कर रहे हो। इसे हिंगे को लिख लो भैया, एक पे हो गए हमें 7 का नुकसान। अब एक आप 100 क्वेश्चन है यार, सब सही तो करके आते तो आपको 500 नंबर ना मिलते, लेकिन आपको नंबर तो 360 ही मिले हैं, तो यार आपने नंबर कितने खो दिए? आपने 140 नंबर खो दिए। ध्यान से देखना, 140 नंबर खो दिए। अरे भैया जब एक क्वेश्चन जाता तो मैं 7 नंबर खोता, लेकिन मैंने तो 140 खो दिए, तो आप कहोगे जी आपने बिल्कुल 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। और भैया जब 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो सही कितने करे होंगे? यू आपको भी पता है, यू पूछो गलत कितने करे, तो 20 क्वेश्चन गलत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे लगाइए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, क्या कह रहा हो जी नेक्स्ट क्वेश्चन? 50 प्रश्नों की एक परीक्षा है, ठीक है, सही के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 2 अंक कट जाते हैं, तो एक पे 6 गए? बिल्कुल जी, एक नंबर गया तो तुम्हारे 6 अंक गए, ठीक है। कह रहा जी
अमित नामक कोई अमित एक छात्र होएगा, सभी प्रश्न हल किए, 50 अंक मिले और 50 अंक मिले। ठीक है जी, 50 अंक मिले। कह रहा कि बताइए कितने प्रश्न सही करे, और हमेशा गलत निकले, कह रहे हैं ऐसे सही घटा के निकाल दिए। ठीक है, देखियो जी इधर, 50 प्रश्न की एक परीक्षा, 4 मिलते, अरे मैं तो सही करके आया, सब 5 और 20, वो तो 200 मिलने चाहिए, वो तो 200 मिलने चाहिए, लेकिन वो मिले कितने हैं कुल 50। अरे मेरे गलत कितने गए, मेरे 150 क्वेश्चन कट गए, 150 क्वेश्चन मेरे कट गए, यार मेरे 6 कट रहे हैं तो मैं एक गलत कर रहा हूँ, और मेरे 150 कट रहे हैं तो आप कहोगे भैया कितने का स्केल लगा, आप कहोगे भैया एक पे, तो आप कहोगे 25 छक्का 150, तो भैया आपने 25 क्वेश्चन भाई गलत कर दिए, आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए। और यूँ कह रहा है कि क्वेश्चन यदि आपने 50 प्रश्नों की एक परीक्षा है, 25 प्रश्नों का सही सॉल्व किया, ठीक है, तो भाई 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 25 इसका आंसर आ जाएगा, 25 छक्का 150। ठीक है जी, एक बार फिर से चेक कर लूँ भाई, कहीं कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है, 50 अंक है, 5 चौक 200, 4 8 2 6, हमने हल्के उसको 50 अंक प्राप्त किए, तो 150 को घाटे हो जाए, 25 ठीक करे, ठीक है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, मिस्टेक होगी भाई डालने में, ठीक है भैया 25, ठीक है 25 ही आ रहा भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए आप, मैं इतने इसको मिटा देता हूँ भैया, कितनी मिनट की वीडियो होगी, 8:11 है। चलो जी देखो जी फटाफट जल्दी से, एक परीक्षा 200 अंकों की है, ठीक है, दो जिसमें सही है, नहीं 200 अंकों की नहीं, एक परीक्षा 200 क्वेश्चन की है, कह रहा कि अरे भाई उड़े मत रुक जाओ, कह रहा कि सही के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत के लिए आधा अंक काट लिया जाता है, सही के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत के लिए आधा अंक काट लिया जाता है, तो मतलब यदि एक क्वेश्चन आपका गलत है ना, तो आप हमेशा याद रखिए आपके 2.5 नंबर गए, आपके 2.5 नंबर गए, और यदि 10 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो आपके 25 गए, और यदि 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो आपके, ठीक है जी, 2.5 क्वेश्चन पर कितने हैं भाई, 210, क्लियर है अभी, 2 पे, तो एक बार फिर से मैं भाई चेक कर लूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन की, एक 2 अंक का है 2.5 गए, 1 पे आपके 2.5 गए, ठीक है जी, और 2 पे पहुँच गए, सॉरी 2 पे आपके पहुँच गए। चलो जी देखते हैं अब क्या कह रहा है कि सही करे भैया 275 अंक मिले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 200 के 200 सही करके आया, तो 200 नहीं 400 नंबर मिलने चाहिए, वो 400 मिलने चाहिए, लेकिन वो मिले कितने 275, भैया वो 275 मिले, तो भैया आपको क्या होगा जी, 5, 2 और 3 में से दोगे, 125 नंबर मेरे कट गए, 125 नंबर मेरे कट गए, यार मैं 1-2 क्वेश्चन गलत करके आता तो मेरे 125 नंबर कट जाते, तो भैया आप कहोगे कितने का स्केल लगाओ, स्केल का मतलब कितने की गुणा हो रही है यहाँ साइड, आप कहोगे 25 पंजे 125, तो 25 दूनी 50, अरे भैया मैंने 50 क्वेश्चन गलत कर दी, वो कह रहा कि गलत कितने क्वेश्चन करे। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगाइए जी इसको, राधा एक परीक्षा देती है जो 80 प्रश्नों की है, ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है, 80 प्रश्नों के यहाँ लिख लिया 80 प्रश्न, कह रहा कि सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन पर आठ नंबर जा रहे हैं, ठीक है जी, सभी प्रश्न हल किए और उसको कुल 240 अंक प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा सही और गलत का अनुपात, अब का रेशियो बताना, सही गलत का अनुपात, कोई बात ना, पहले सही गलत निकालते के दिखा देता हूँ भैया, यदि 80 क्वेश्चन करे हैं उसने, तो उसे तो 8 6 48 480 अंक मिलने चाहिए, वो तो सही करके आई सब है, यानी समझे, लेकिन वह मिले कितने यार, वहाँ तो कुल्ली 240 मिले, तो आप कहोगे 480 में से 240 घटोगे, तो इतने तो तेज तो तुम भी हो, 240 खत्म, अरे भैया 240 खत्म हो गए, तो आपको पता है एक क्वेश्चन गलत पे 8 खत्म है, तो 240 कितने पे खत्म है, आप कहोगे जरा देखें जी स्केल, स्केल का मतलब मैं 8 का यहाँ कितने का भाग, 8 240 800 कह पे जाएगा, फिर उधर आप कहोगे जी 30, तो भैया 30 क्वेश्चन गलत हो गए, अब यदि एक बात बताओ 80 क्वेश्चन हैं
30 उनमें से गलत हो गए हैं, 50 उनमें से सही हैं, या नहीं पूछो है सही और गलत। तो आप कहोगे जी 30 गलत है, तो 50 30 का रेशो मेरे भाई 10 जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 5:3 आ जाएगा जी आंसर। ठीक है, यूँ मत कहें जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कोई तकड़ी चीज़ नहीं है ये, यानी समझने का फेर है बस। ठीक है, अगलो क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसे लगाने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, क्या था छठा क्वेश्चन? 60% है, बहुत बढ़िया जी, 60% है। कह रहा कि सही के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है। ठीक है जी, तो मतलब 1/4 एक कट तो होएगा, 4 में से 1 सही बात है। तो कहने का मतलब यार, एक क्वेश्चन गलत कर दो, 5 नंबर आपके गए। 190 मिले, कितने प्रतिशत प्रश्न गलत करे हो जाएगा? देखो जी भैया, मैं कह रहा हूँ कि 6×24 240 नंबर आने चाहिए, लेकिन नंबर तो भैया 100 ये मिले हैं बस। कितने मिले हैं? आप कहोगे जी चेक करके देख लो। आप कहोगे भैया वाकई तो नुकसान हो गया, उसे तो 50 नंबर का नुकसान होगा। कितने का भी? 50 नंबर का नुकसान होगा। अरे एक बात बताइए, जब 5 नंबर का नुकसान होता तो 1 गलत होता, और जब 50 का होता तो 10 गलत ना होते। अब कह रहा है कि गलत को प्रतिशत बता दो। भैया 60 में से 10 गलत, यानी 10 60 का कितने प्रतिशत है? 0/0 खत्म होगी। जब 6 में 10 का भाग ला 100 में भाग लाओगे तो आप पाओगे 16 सही 2/3, मतलब 16.66 आंसर नंबर सी। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। टाइम क्या कह रहा जी अगला क्वेश्चन? एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता, बहुत सिंपल है वही यार, 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर 1 रुपया काट लिया जाता है। ठीक है, तो एक बात बताऊं, यदि निशाना एक बार चूक गए तो 2 का नुकसान, तब कितने का जी? 2 रुपया का नुकसान हो जाएगा। 2 रुपया, 2 रुपीज़ नहीं बोल रहा इंग्लिश में, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ, 2 रुपया, ताकि आप समझो। पेपर में बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज में या मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमसे अपना ऊपर अटैच कर सकूँ। कोई इंग्लिश में लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल देसी भाषा में आपको ये चीज़ें समझनी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये, यदि आप समझो तो। आ रही है ना मेरी बात समझ में? ठीक है, जब भी वीडियो देख के जाओ तो कमेंट जरूर घेर के जी, चाहे बुरी लगे अच्छी लगे, पर कमेंट जरूर घेर के जी। ठीक है, इस बात याद रखी। ठीक है जी, एक व्यक्ति लक्ष्य पे एक गलत तो 2 रुपया गए, वाने कही जी 100 बार निशाने लगाए और 30 रुपया मिले, तो कितनी बार चूक हुई? एक बात बताओ यार, मैं तो यूँ कह के चलूँ हूँ कि जब 100 बार तो वहाँ तो 100 ही रुपया मिलने चाहिए, 100 ही रुपया मिलने चाहिए ना वहाँ, लेकिन वहाँ मिले कितने? वहाँ तो कुल्ली 30 रुपया मिले। तो आप कहोगे गलत रुपया का नुकसान कितने का हुआ जी? 70 का। एक बात बताइए जी, जब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 रुपये का नुकसान, जब 70 गलत हुए तो कितने का नुकसान? आप कहोगे कितने का? 35 का स्केल, हिंगे भी 35 का स्केल लगा दो, कह दो जी 35 बार उसका निशाना चूका होगा, तो आंसर नंबर बी आ गया। क्लियर है भी? आंसर नंबर बी आ गया। चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसे आप लगाइए भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 140 अंक है भाई, देखो मैं जोड़ूं तुम्हारे हाथ। अब यू क्वेश्चन, यू तुम्हें खुद ही करना है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, नहीं हो बेर बेर वीडियो देखो। अरे छोटा सा कंसेप्ट मैंने तुम्हें समझा है, इसे ज़रूर समझ लिया। ठीक है, तो भाई फाइनल में हम इस वीडियो अब ख़त्म करने जा रहे हैं, हल्का सा सेशन आपके लिए समझाने के लिए। मैंने फिर बता रखा कि मेरा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियोस वे लोग देखें जिन पर सारी चीज़ आवे, मैं चाहता हूँ कि देखो कुछ लेवल हो कर ए बी सी डी, यानी समझे सपोज करो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अरे भैया किसी पे ए आवे है तो मैं तो वो सब बी पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैं सी से डी पे ना, मैं तो वो सब बी पे ले जाना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं वह गैप है फुलफिल करना चाह रहा हूँ जिन पे नहीं आता, जो बेचारे कमज़ोर है मैथ्स में, या नहीं समझे मेरी बात है। कोई से लेक्चर देख लो, कोई सी वीडियो देख लो, टाइम में सारी वीडियो गिर रखें, आपको समझ ना आवे तो मेरी गारंटी है,
ठीक है, कि क्यों मैंने आपको सिर्फ आपके भाषा में सिखाया, बिल्कुल गांव की देसी लैंग्वेज में, ताकि आप समझ पाओ चीज़ें। मैंने एक अखबार में आर्टिकल पढ़ा हुआ कि यदि आप अपनी प्राथमिक भाषा में चीज़ें सीखोगे तो जल्दी समझ में आएगी। और यार गणित है यू, यानी समझे, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नहीं जी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हिंदी मीडियम वाले आराम से सीख जाओगे भाई। और कोई इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उन्हें भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि या क्वेश्चन का आंसर जरूर दिए आप मुझे जरूर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिए आपको कसम, यदि वीडियो देख रहे हो तो, ना हो तो मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो में करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यार आप चलते हैं, एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जी अभी, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि थोड़े से हमें भी मोटिवेट होते रहें। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, भगवान करे इसी साल आपकी नौकरी जरूर लगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।